फिर से एक और डिस ट्रैक में लेकर आ गई हूँ जो कि होने वाला है SOS का। आप लोगों ने सुन लिया होगा, गाने का नाम है ब्लैक बॉल। मैंने इनको पहले कभी नहीं सुना है, ठीक है। बहुत डिमांड आ रही है कमेंट सेक्शन में कि इनका डिस आया उसमें रिएक्ट करो। इन्होंने सीधे मौत को किया है, तो सीधे मौत को मैंने सुना है, बट उनका जो रैप का स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ जाता है, बहुत ही तगड़ा है, तो मतलब इतना मैं उनको सुनती नहीं हूँ, ठीक है। तो उनको मैंने थोड़ा थोड़ा सुना, एक बार बिग बॉस में आए थे, थोड़ा वाला सुना है, थोड़े थोड़े सॉन्ग उनके सुने हुए हैं, बाकी ज़्यादा मैं उनको नहीं सुनती हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं पता है क्या होने वाला है, कैसे कैसे चीज़ें होने वाली है। थोड़ी बहुत मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली है, थोड़ा थोड़ा मैं समझ के आई हूँ कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, ठीक है। चुल चलाट सब लोग करते थे ये लोग पहले से ही, तो चलता आ रहा, और फाइनली अब डिस निकला हुआ है। तो क्या क्या डिस में होगा, कैसा होगा, कितनी रफ्तार होगी, सब देखना होगा। अगर बहुत तेज़ भागेगा इस, तो मैं पॉज करते हुए चलूँगी, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। आप लोग तो हिप हॉप सुनते हो, तो आप लोगों को अच्छे से सब कुछ आ जाएगा, बट मुझको नहीं समझ में आता है, इतना मैं नहीं सुनती हूँ इसीलिए। और जो डिस होते हैं ना, उसको भाई समझना बहुत मुश्किल है, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं समझ जाऊँ, नहीं समझते तो आप लोग कॉमेंट में बताना, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको स्टार्ट करते हैं, चलो 3, 2, 1 एंड गो। समझे सीधे भाई गधे की बुन ना होते सीधे भाई कुत्ते की तुम कर देना बस। ओ भाई आवाज ये ऐसे करते हैं क्या, ये आवाज थोड़ी वैसी आ रही है, गूंजती हुई अलग है आवाज, एक समझ रहे हो, ये मुझे समझ में आएगा गाइस, क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसमें लिखा नहीं है क्या कुछ, कैसे हो पाई। ओके फिर से समझे सीधे भाई गधे की बुन ना होते सीधे भाई कुत्ते की तुम कर देना बस अड़िए बिना कोई जुन आज इनका जन्ना सा निकालू मैं खुद फिर कबर पे ना चुपा भी बजा दूं लड़के पागल मेरे यहाँ फला दूं लोडे ले सुन तू बड़ा क्यों सुन फटे निजाम तू खुद ही ले सुन हम करते ना स्टीक डिस करते बर्बाद नाम तो लेके दिखलाने के बाद तुम नाम की मौत हम देते सरकार हां तो की सजा दूं अकेले मजार। ओ भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कितनी कैसी आवाज हो रही है, मतलब साफ नहीं लग रहा है मेरे को टाइम लगेगा इनको सुनने में यार, एक मिनट अब फिर से बैक कर रही हूँ, अब मैं ध्यान से सुनती हूँ यार, कैसे हो पाएगा। दे भाई गधे की बुन ना होते सीधे भाई कुत्ते की तुम कर देना बस अड़िए बिना कोई जुन आज इनका जन्ना सा निकालू मैं खुद फिर कबर पे ना चुपा भी बजा दूं लड़के पागल मेरे यहाँ फला दूं लोडे ले सुन तू बड़ा क्यों सुन फटे निजाम तू खुद ही ले सुन हम करते ना स्टीक डिस करते बर्बाद नाम तो लेके दिखलाने के बाद तुम नाम की मौत हम देते सरकार हां तो की सजा दूं अकेले मजा। नाम की मौत सीधे मौत में नाम की मौत, अच्छा यहाँ से लोगों को पता चला है कि ये सीधे मौत को किया है, मैं वही सोच रही थी कोई नाम लिया होगा, ठीक है गाइस। बोले के दिखलाने के बाद तुम नाम की मौत हम देते सरकार हां तो की सजा दूं अकेले मजार पापा नाराज तू गंदी औलाद निकली गदब लो मेरी चाल पापा नाराज तू गंदी औलाद। मुझे बहुत कम चीजें समझ में आ रही है, बट हाँ बस ट्राई कर रही हूँ भाई, ये कितना खतरनाक है भाई, इनका फ्लो कितना तगड़ा चल रहा है ये। तू अकेले मजार पापा नाराज तू गंदी औलाद निकली ले खत्म फ्लो मेरी चाट टिमली गाने पे मतलब तुम ला इल्मी तो भाई बात बहुत सुना तेरा क्या मिला गाने सुनो तेरे वैनिला शोपे मेरे तेरी बैंजी लेके सताई तो कैमरा फोटो 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 खिंचाती बस कहती फैशन आइकन तू मेरा जो 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 लड़की पावर पंप मारे और रकम पूछे मेरे जूते का मुझे भी दिया लड़की की बात हो रही है। एक मिनट भैया रुक जाओ, यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, शायद उनकी किसी लड़की की हो सकती है, बहन जी बोला है, बहन बहन की बात है, किसी की बात है, ठीक है। तो ये जो बोल रहे हैं, बट गाइज इनका फ्लो बहुत तगड़ा है, बाकी इसमें जो म्यूजिक आ रहा है बहुत तगड़ा है, बट ये जो आवाज आ रही है ये थोड़ा वैसे आवाज में गाती है ना, अपनी जो आवाज होती है ऐसी आवाज निकलती है वैसी, ये थोड़ा वैसी आवाज है, समझे। तो इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, पर मुझे समझ में टाइम लग रहा है यार, अब ऊपर से ये 5.5 मिनट का गाना है। लेके सताई तो कैमरा फोटो 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 खिंचाती बस कहती फैशन आइकन तू मेरा मुझे जो जो लड़की पावर पंप मारे और रकम पूछे मेरे जूते का देखा मुझे बेटी अगर तू देगा चढ़ेगा मेरी सीढ़ी गन्ना टूटेगा बीड़ेगा मेरी सीढ़ी चढ़ी मुतेगा सूतेगा मेरा बंदा गंदा ज्यादा यहाँ खुद ने कहा नहीं मेरे खास यारों के लिए मैं खून दूंगा भाई मेरे यार तेरे पैरों में घुंगरू लगाए घुंगरू गवाए कुकू उड़ाए कंग फू सिखाए तू तू भगाए अब बोलना मैं कौन है बेहतर किससे बेटर छापते अक्सर किसके फ्लो से चोमू रैपर छोटू रैपर दिल से नासू के रोंदू रैपर। हेलो ब्रदर थोड़ी गड़बड़ हुई घर पर मरे रैपर मेरे हाथों चढ़े थे भाई मुझको लगा किसी की रिकॉर्डिंग सुनाने वाले ये जो टू 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 बजाना मुझे लगा वहाँ पे से लड़की की आवाज आएगी कोई वो बोलेगी जूते का प्राइस क्या है चोमू रैपर छोटू रैपर दिल से नासू के रोंदू रैपर। हेलो ब्रदर थोड़ी गड़बड़ हुई घर पर मरे रैपर मेरे हाथों चढ़े थे सर पर तुम तो जानते ही हो अबे मेरी बारी तो आंदे कश्मीरी बज रहा है दिल्ली में सुबह से खूनी हाथ मेरा ये खेले ना कंचों से महके और महफिल में उदाती दुबई से दिल्ली में मारू सब खान को दू मुंबई में दुए में लड़के दो
परेशान नशे में बनते ये फन्ने का फेफड़े साफ कर रस पीले गन्ने का कलम तोड़ने आया इस नल्ले का ये दल्ले के देंगे सफाई एल्बम कॉन्सेप्ट चुरा के पाए फैन चुनो अपनी माँ को चुन आजादी चाहती थी हमको दबाए पर मैंने सिखा रहना कभी चुन आजादी चाहती थी हमको दबाए ओके तो गाइस मैं समझ तो रही हूँ यहाँ पर ये वाला फ्लो मुझे फिर भी सही लग रहा है आवाज भी थोड़ी क्लियर आ रही है तो समझ में आ रहा है आजादी चाहती थी हमको दबाए पर मैंने सिखा रहा ना कभी चुप कौन है सो सब और जाने तेरा ग्रुप ये ढेर जरा हेट देंगे क्या मैं बना शुभ मेरे घर कभी आया तुझे काटे मेरा कुक फॉर नाश्ता झूठ से मैं लड़ूं तो सच से भागता सारे राज खोलूं तेरे जैसे मैं काफ्का वॉइस तेरे थ्रेट्स पे जैसे मैं फाकता होगा जब सामना अकेला तू लेके नहीं जबाना कश्मीरी को दिल्ली में धमकाना ये बुरा दिन तेरा भर जुर्माना सजा के रखा पूरा महकाना भाई ये किस टाइप का रैप है मेरे शहर की तू पूछे किससे कौन जितना सच बोलिए नफरत करे और ये केस क्लोज करने आया जैसे सोल इंडस्ट्री चोल हमें करे ब्लैक बॉल मेरा नाम मेरा शहर ब्लैक बॉल मेरा काम मेरे बॉयज ब्लैक बॉल जो मेरे साथ खड़ा उदय का कॉल अच्छा तू चिके मैं करूंगा साइन है मेरे पे डीले जब हुए फिर साइन तो इन पे ना टाइम है गिफ्ट भी डीले हम ना अकेले कितनी कलाकारों की तोड़ी उम्मीद है कैसी आजादी जब मेरी लिखाई का मतलब जीने अजुर तू रैप बोलेगा बिखरे सबूत जोड़ेगा कलम मफूम खोलेगा कभी तो कोशिश करे दबाने की जोड़े को आदत है बातें बनाने की काम तू काम से काम रख बालों पे ध्यान दे या पहला टांग रख दिल्ली की सड़कों पे भीमर चलाने की आदत है मुझे खजाने हैं फ्लोस के मेरे पे हरे पेटी नहीं सुनने हैं मुझे नाम छीन के किसी की ईपी का या बिना याद नहीं बनना है मुझे पांच साल से तेरे ही शहर में मेरे में एक दिन दिखा दे जीके आर्टिस्ट में छोटा इससे पर विजन ईगो के बिना ही ठीक है मैं बोलूं बातें सीधे मुंह पे सीधे मुंह के सीधे मौत के सीधे मौके ईद के मौके कीड़े चोट के कितने मसले कितने फितने फुद्दू लड़के बुड्डू गड़वे उड़ते बहुत है वो यहाँ पे सीधे मौत ने बोल ही दिया मेरे शहर की तू पूछे किससे कौन जितना सच बोलिए नफरत करे और ये केस क्लोज करने आया जैसे सोल इंडस्ट्री चोल हमें करे ब्लैक बॉल मेरा नाम मेरा शहर ब्लैक बॉल मेरा काम मेरे बॉयज ब्लैक बॉल जो मेरे साथ खड़ा ए बी जे सच बोलूं घर वाले से डर उड़ेगा कितनी देर तू तेरे भी कटने पर मादा ही निकली बेवफा तो क्या करेगा नर सुखी ना छोड़ूं पीठ जो तू पूरा करूं तर कश्मीरी में ना खौफ मैं तो जानूं तेरा घर पश्मीना पहने लोग तेरे कोट का वो फर मैं छुए बिना ऑप्स को ऑफ करूं तो मर जंग का ऐलान ये जैसे प्रभु रहमत टापे पोटा मेरी जान रहना दूर हमसे सारे खबरदार हमको खबर तेरा कैसा किरे पान मुना खोल लौंडे ठोके खुले आम मैं अपना जान तेरा रखूं इंतजाम मैं बेड़ा एक बार बोलूं हर बात मेरे जज्बात से रख के तो ठीक चाल करे भेदभाव मेरी बहन के करे बच्चे ये बेचैन फिर आजकल मुझे कंटेंट मिले लिख के तू करवट बदल नहीं देखा है तेरी मैं गंगा पल में उसे घुमा के मैं टल में पैसे न मांगे थे दल्ले न खट से अभी तक नल्ले तने खाने फेंके सुना चुन में मुझे डिस करा करूं बिस मिला तेरा सब जारी होना इस चुमा मने हर चुमा तेरी किस में का तेरा कैटलॉग मुझसे बना बे हट मुझसे भिड़ मत तुझे सच बोलूं पढ़ बे मुझसे चिढ़ मत अबे हट मुझसे चिढ़ मत मैं समय से लेता बेटे राय ना वेब थी वर्स तेरी काफी ज्यादा राय था बद रंग शक्ले देखो जरा आयना लंबे बालों वाली जैसी यहाँ डायना बायना दूंगा मैं एलजी को तेरे वो मुझको भी डी दे क्यों इफ यू वांट स्मोक स्वागत है तुझे मैं घंटा कर लूं तू पत्थर पास बोला क्या मैं मेरा हक भी ना लूं इफ यू डोंट स्टैंड विद पैलेस्टाइन दे गेट अप फक यू टू टेस्ट ना करो मेरी साइलेंस और पेशेंस मैं ऐसी मौत जो सीधे जलाती नेशन ये गाना तुम्हारे लिए अगले दो साल का कंटेंट है मैंने सुना तुम कह रहे हो एसओएस कौन ओह माय गॉड मुझे ओह
ओके गाइस, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कैसा था रिएक्शन आपने देख लिया। मैंने पहले ही बोला था कि सीधे मौत का जो फ्लो होता है वो इतना तगड़ा होता है कि मेरे को समझ में नहीं आता, तो वैसा सा ही ये भी फ्लो था, तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। इनका फ्लो इतना तगड़ा है भाई, मुझको तो आधी लाइन समझ में ही नहीं आई है, आधे बार समझ में नहीं आया क्या बोला है क्या करा है, कुछ समझ में नहीं आया। बाकी आपने देख ही लिया, ठीक है, आप लोग चाहो तो कमेंट में मुझे समझा सकते हो। बाकी मेरा टेस्ट ये है नहीं, क्योंकि इतना तगड़ा वाला हिप हॉप बिल्कुल डीप मैं नहीं सुनती हूँ। अभी तो मैंने स्टार्ट करा है सुनना, तो देर से ही हो पाएगा, सीधे में छलांग नहीं लगा सकते इतनी तगड़ी चीज़ में, तो इसकी बहुत डिमांड थी, तो मैंने सोचा कर लिया जाए। एंड देखो, मैं चाहूँ तो पहले देख के बैठ सकती हूँ, ब्रेकडाउन ये सब देख के बैठ सकती हूँ, यहाँ पे झाड़ सकती हूँ फालतू का, बट वो सब मेरे बस की नहीं है यार, मेरे पास इतना नहीं है टाइम कि मैं देखूँ हर एक चीज़ समझूँ फिर आपके आगे रिएक्ट करूँ। जैसा आएगा पहला रिएक्शन होगा, जितना समझ में आएगा वो यही होगा। एंड ऐसे ही इंसान सीखता है, ग्रो करता है, आराम आराम से ही होता है ना, तो बस हो जाएगा। बाकी इसमें म्यूजिक बहुत तगड़ा है, बीट वीट बहुत तगड़े है, जिस तरीके से वीडियो शूट हुई है बहुत बढ़िया है, इन लोगों का स्वैग बहुत बढ़िया है, बड़ा सही लगा था जैसे कर रहे थे बिल्कुल वीडियो में आ रहे हैं। सीन टू वाला जो पार्ट था वो मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आया, क्योंकि उसमें थोड़ी आवाज़ साफ है, चीज़ें आराम से चल रही है तो समझ में आ रही हैं। पहले जो सबसे पहले वाला जो फ्लो था वो तो बहुत ही तगड़ा था भाई, उसमें समझता तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं समझ नहीं पाऊंगी, वहीं पर मेरे को एक बार तो ऐसा लगा कि छोड़ देती हूँ रिएक्ट करना, बट नहीं है, जब कर रही है तो पूरा करेंगे। तो ये रहा रिएक्शन, बताना आप लोगों को ठीक है कैसा लगा, कुछ मैंने मिस किया तो बताओ। बाकी मैं यार आराम से ही कर पाऊंगी, ऐसे मुझसे नहीं हो पाएगा कि मैं आपको दिखाने के लिए कुछ भी बोल लूँ, ठीक है, मुझसे ऐसे नहीं हो पाता है। अच्छा लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। ये हिप हॉप जो लिसनर है, जैसे आप लोग बहुत तगड़ा सुनते हो हिप हॉप और आप लोगों को अच्छा लगता है, तो आप लोग को मज़ा आया होगा इस डिस्क को सुन के, ठीक है। बाकी जो आम बंदा होगा जिनको हिप हॉप सॉन्ग सुनने हैं बस भाई, वो हिप हॉप हो या कुछ भी हो, जैसे कि मैं, मुझको कुछ भी सुनना है बट मुझे अच्छा लगना चाहिए, समझ आना चाहिए, तो वैसा मुझे नहीं लगा क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया। अभी समझ किसको आएगा, जो सीधे मौत को भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, इनको सुनते आते हैं, इनका फ्लो सुना हुआ उन लोगों को भी पसंद आएगा, बट मैंने दोनों को ही बहुत कम सुना है, तो इसलिए मुझको ये फ्लो ये वो नहीं, मैं इसको कनेक्ट कर पाई। एंड मैं इसको इतना सुनूंगी भी नहीं क्योंकि समझ में नहीं आया, एंड मेरा टेस्ट भी नहीं है, समझ रहे हो ना आप, ठीक है। बाकी रिएक्शन तो करना था क्योंकि बहुत सारी डिमांड थी, तो अब मैं उनको दिखाना चाह रही हूँ कि भाई ये है रिएक्शन, देख लो। अगली बार रिएक्शन मांगोगे तो सोच समझ के मांगना, ऐसा ही मिलने वाला है, क्योंकि एक आम बंदा जैसे सुनता है, जिसको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, मैं भी बिल्कुल वैसी हूँ, जैसा लगा वो यही था, ठीक है। चलो वीडियो एंड करते हैं, बाय बाय।